दोस्तों सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है पार्किंग के लिए। यहाँ पे देखिए रास्ता दिया गया है इस साइड, और ये है बनियाबाग पार्किंग। ये क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर है, पार्क है, पॉन्ड है, किड्स प्ले एरिया है, और फूड कोर्ट और पब्लिक यूटिलिटी है। यहाँ देखिए लिखा है बनियाबाग पार्किंग, पार्क एंड पार्किंग, मतलब ऊपर पार्क है नीचे पार्किंग है। और यहाँ पे देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है बनियाबाग। देख सकते हैं यहाँ पर कोवल स्टोन लगाया गया है, ये काफ़ी मजबूत होता है क्योंकि गाड़ियाँ आएंगी चार पहिया तो वजन पड़ेगा अच्छा खासा, इसलिए मजबूत लगाया जा रहा है। चलिए अंदर एंट्री करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए गार्डन लगाया जा रहा है दोस्तों। इस पार्क में पार्किंग बनाने का दो ही उद्देश्य है, एक है वाराणसी में हरियाली को बढ़ाना, और दूसरा है जो जाम की समस्या है उसको दूर करने के लिए पार्क का व्यवस्था करना, मतलब पार्किंग व्यवस्था करना है। यहाँ देखिए अभी मैं देखा था मैदान, तो तुरंत देखिए पेड़ पौधे लग गए यहाँ पर, तुरंत काम काफ़ी तेज़ चल रहा है देख सकते हैं यहाँ पर। और इसका उद्घाटन होने वाला है 23 दिसंबर 2021 को। अभी जिस जगह पर हम लोग हैं यहाँ पर पहले लगता था तिब्बती लहासा वुलन मार्केट, जो कि अभी समय लग रहा है नटराज सिनेमा घर जहाँ पहले था, पहले वहाँ पे लग रहा है। उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल देखने मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये रैंप बनाया गया है गाड़ियों को जाने के लिए पार्किंग की तरफ, और देख सकते हैं काफ़ी मोटी ढलाई यानी PQC किया गया है। एक देख सकते हैं यहाँ बेसमेंट का किया गया है, फिर उसके बाद इतनी मोटी और किया जा रहा है, मतलब मजबूत बनाया जा रहा है इस रास्ते को। चलिए पार्किंग चलते हैं, पहले पार्किंग दिखाते हैं आपको हम। फिलहाल यहाँ पे देखिए अभी इस साइड से नहीं चल रहे हम लोग, इस साइड चल रहे हैं, अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं नज़ारा पूरा। देखिए यहाँ गार्डनिंग काम हो चुका है पूरा, अभी कच्चा इसलिए इस साइड से नहीं जा रहा हूँ मैं। ये देखिए हम लोग पार्क में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए पार्किंग जाने का रास्ता है, वे टू बेसमेंट पार्किंग, पार्क पार्किंग कन्फ्यूजन हो जा रहा है। ये देखिए ड्रेनेज के लिए है, ये देख रहे हैं इस साइड लगेगा। और दोस्तों मैं चाहता था गोप्रो से वीडियो बनाता लेकिन अंदर काला ना, इसलिए मैं मोबाइल का यूज़ कर रहा हूँ। पहले पार्किंग दिखा दो फिर पार्क दिखाता हूँ आराम से। दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, कहीं भी स्किप मत करिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर यह है स्प्रिंकलर, यहाँ से मतलब पानी छिड़काव होगा। तो जो फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पर है वो भी काफ़ी अत्याधुनिक लगाया गया है। और ये जो देख रहे हैं ये वाला, ये यहाँ देख रहे हैं निकला हुआ रास्ता ना, ये एग्जॉस्ट है पूरा, जो अंदर गर्मी उसको बाहर करने के लिए है। अंदर लाइटिंग चालू हो रही है धीरे धीरे, देखिए पूरी यहाँ लाइटिंग चालू हो गई है। अभी जब मैं था तो अंधेरा था, अभी तुरंत देखिए लाइट चालू हो गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये है पूरा पार्किंग, बनारस में सबसे बड़ा ये पार्किंग है, अभी तो इससे बड़ा नहीं बना है कोई। ये देखिए पूरा पार्किंग है, दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से पूरा नंबरिंग किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ द बेबी बीस्ट राइडर पर। और आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ बनियाबाग पार्किंग कम पार्क। यहाँ देखिए कितना काम पूरा हुआ है, ये देखिए कितना बढ़िया बनाया जा रहा है। और यह 90 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी योजना द्वारा बनाया जा रहा है, और यहाँ पर लगभग 470 चार पहिया, वहीं 170 के करीब दो पहिया वाहन की पार्किंग होगी।
यहाँ देखिए पूरा नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये पूरा पार्क का क्षेत्र है। और चलिए पार्किंग दिखाता हूँ मैं आपको, पार्किंग कैसा बना है। दोस्तों यहाँ पर लग रहा है कोई स्टैचू लगाया जाएगा, देखिए क्या होता है। चलिए पैदल मार्ग से नीचे चलते हैं। ये देखिए लिफ्ट है, तो नीचे से ऊपर आने के लिए लिफ्ट भी लगाया गया है। और इसका उद्घाटन 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। खाली फिनिशिंग काम बचा हुआ है, नहीं तो काम कंप्लीट कंप्लीट है लगभग। देखिए यहाँ पर हाई मास्ट लाइट लगाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे गार्डन बना एरिया बनाया गया है। ये देखिए काम कर रहे लोग भैया, काफ़ी एक्साइटेड है। फाइनली दोस्तों लोग पार्किंग क्षेत्र में आके देखिए यहाँ पर पार्किंग बनाया गया है, काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग देखिए एकदम एक नंबर है। पार्किंग बे, ये स्टॉपर है। फुल लाइटें जगमग हो रही, काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में। देखिए पेंटिंग काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से। दोस्तों इस पार्किंग बन जाने के बाद लोगों को काफ़ी सुविधा हो जाएगा, जो सड़कों पर जाम लगता है वो काफ़ी छुटकारा मिलेगा, और पेड़ पौधे ऊपर लगे पार्किंग में तो उससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। इतना बड़ा पार्क है मैं भूल गया किस साइड से आया था, काफ़ी बड़ा पार्क है ये, और पार्क के साथ पार्किंग भी है। चलिए कोशिश करते हैं इस साइड से निकलते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा बढ़िया पेंटिंग बना है, दिखाता हूँ मैं पास से आपको। ये देखिए इधर पेंटिंग बना है, अब पूरी फायर पेंटिंग वाली सिस्टम लगा हुआ है, अग्निशमन यंत्र, मतलब अगर कोई दुर्घटना होता है तो बुझाने के लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है। और लागत इसकी 90 करोड़ रुपये, तो समझ रहे होंगे आप कि काफ़ी अच्छे तकनीक का यूज करके यहाँ पर काम किया गया है। चलिए बाहर निकलते हैं। जैसे तो काफ़ी चौड़ा है, मतलब अगर एक साथ दो भी बाइक कार जाएंगी बड़ी वाली तब भी जगह बच जाएगा, इतना चौड़ा यह है। ये एग्जिट वाले क्षेत्र में हम लोग आ गए। एंट्री कहाँ से होता है दिखाता हूँ मैं आपको।